सो हे गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स। सबसे पहले बात करते हैं मुनव्वर फारूकी और अभिषेक के बारे में। आप सभी को पता होगा इस वीक यानी कि बोले तो फाइनल में बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी और अभिषेक मिले थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में अगर कोई जीतता है तो वह है मुनव्वर फारूकी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सारे इमोशन से कोई खेलता है तो वो अभिषेक खेलते हैं, मुनव्वर फारूकी बस केवल साथ बैठे हुए थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे। तो काफी सारे लोग का यह भी कहना है कैसे जीत सकते। तो आप सभी को सबसे पहले जानकारी के मुताबिक बता दें, ऑडियंस ने वोट की थी, वोट केवल 10 मिनट के लिए खुला हुआ था और उसी वोटिंग के द्वारा बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी ने जीता है। और नाइट की अगर वीडियो देखते हो डोंगरी इलाके की, तो नाइट में काफी सारे लोग जागे हुए थे केवल वोटिंग के लिए और उसके आने के लिए। और ठीक यही चीज में बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी जीते जाते हैं और अभिषेक बिल्कुल भी वहां सेकंड नंबर पे कंपटीशन देने के लिए खड़े होते हैं। और यह भी माना जाता है कि मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने भी दिया था और जिसकी वजह से उनको सपोर्ट बहुत ही अच्छे खासे लेवल से मिली थी। और वहीं पे काफी सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि एलविश यादव बिल्कुल भी अभिषेक के बारे में कहा था कि अभिषेक को सपोर्ट करो, तो उसको भी सपोर्ट मिला था, इसके कारण से टॉप टू में भी देखने को मिले थे। ताज्जुब वाली बात है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वही बात कर लेते हैं, अभिषेक कुमार से पूछा जाता है कि आप तो बिग बॉस में थे ही और काफी सारे कंटेस्टेंट जो घर से बाहर जा चुके थे वो वापस आ चुके हैं, लेकिन उनमें से दो लोग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, वही यूके और दूसरे खान जादे के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो वो एक ही बात बोलते हैं, वो नहीं आए, किसी रीजन होगा जिसके वजह से नहीं आए, लेकिन मैं उसे फोन जरूर से करूंगा। फिलहाल ये भी पूछा गया था कि आखिर मुनव्वर फारूकी जीत सकते हो, उतने कोई खास डिजर्विंग नहीं करते हैं, तो उस बारे में आप सभी को क्या कहना? वो बोलते हैं कि हम लोग एक प्लान किए थे, या तो फिर हम जीतते या फिर मुनव्वर फारूकी जीतते, हम दोनों में से कोई भी जीतते, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह कोई लेकर जाता है तो वो बड़ा ही प्रॉब्लम देता मेरे को। और हम लोगों ने एक वादा किया है कि हम दोनों एक ऐसे लोकेशन पर घूमने जाएंगे जिससे देखने के बाद आप सभी को खुशियां हो सकती है। तो काफी सारे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि हम गोल्डन टेंपल घूमने का हमने प्लान किया है जीतने के बाद। और ये भी बोलते हैं कि मुनव्वर फारूकी जब ट्रॉफी निकाले थे डोंगरी में, वहीं पे आपका नाम लिया था, तो वो चीजें बोले थे कि हाँ उन्होंने नाम लिया था, लेकिन जो कि मुनव्वर फारूकी की जीत पे उन्होंने काफी सारे ऐसे शब्द बोले हैं, हालांकि कुछ चीजें सही है तो कुछ चीजें सही नहीं भी है। वहां पे ये बोलते हैं वो भगवान का मजाक बनाने वाला इंसान, जो कि ये आज इतना इतना ऊंचे लेवल पे है कि काफी सारे लोग उसे बिल्कुल भी अपने आइडल समझते हैं, काफी सारे लोग उसे अपने भाई समझते हैं, अपने लोग समझते हैं। और वही पे जो कि हिंदू भाई लोग हैं वो भी मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर से लगेगा, तो वो चीजें देखने को मिली हैं। तो काफी सारे सुधीर चौधरी के ऐसे सवाल थे जो कि बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पीएम मोदी के बारे में। उन्होंने कल के दिन एक वीडियो पोस्ट की और उस पोस्ट में बिल्कुल भी उन्होंने बताने की यही कोशिश की परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल भी होना चाहिए, यानी कि परीक्षा पे चर्चा। लेकिन उसमें होता क्या है कि काफी सारे बच्चों के बारे में वो बिल्कुल भी बातें करते हैं कि उनकी एग्जामिनेशन कैसी होती है, क्या कुछ करना पड़ता है, उनकी मेहनत क्या रहती है, लोग क्या कहते हैं, मतलब उस चीज पे काफी ज्यादा चर्चा करते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे की उनके चैनल पे ये वीडियो पोस्ट की गई है, उस पर उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए बिल्कुल भी अक्षय कुमार ट्विटर पर रिपोस्ट करते हुए क्या कहते हैं, एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने ये कहते हैं कि अभिभावक के रूप में मैं जानता हूं कि माता पिता पे क्या कुछ चलता रहता है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए एग्जामिनेशन हो या परीक्षा हो, इस तरीके की जो चीजें होती उनके में ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी चीज को देखते हुए मोदी जी जो एक्शन लिए हैं वो बिल्कुल भी सही है। और आगे यह भी देखने को मिल सकता है कि इस चीज की जो जितनी भी परेशानी आ रही है उस चीज पे बिल्कुल भी मोदी जी बिल्कुल भी तगड़े एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के इस पर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रांची के बारे में। रांची की एक वीडियो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, लेकिन उसी वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। पहले इस वीडियो को जरूर से देखें। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो झारखंड के सीएम है उनका बिल्कुल भी इस चीज पे प्रदर्शन देखने को मिला है। होता क्या है कि बिल्कुल भी उनका परीक्षा जो होते हैं उसकी पेपर लीक हो गई है और उस लीक की वजह से काफी सारे स्टूडेंट इस वक्त मोर्चा निकाल लिया है और ये चीजें बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल भी झारखंड के जो सीएम है उनसे रिलेटेड लोग नारेबाजी कर रहे हैं और जो कि ये चीजें वायरल भी देखने को मिली है स्टूडेंट्स के द्वारा।
तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं काला एकेडमी के बारे में, जो कि इस वक्त गोवा में स्थित है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उस काला एकेडमी के पुनर्निर्मित यानी कि बहुत ही जल्द उसमें एक सांप देखने को मिली, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उस चीज को उन्होंने इग्नोर करते हैं और ठीक उसी चीज के दूसरे दिन भी देखने को मिलता है कि उसमें एक और सांप देखने को मिलता है। पहले इस वीडियो को जरूर से देखिए। लेकिन होता क्या है कि काला एकेडमी में एक सभा बैठाई जाती है, वहां पे डिस्कशन होती है, कुछ चीजों के बारे में बात की जाती है। काला एकेडमी बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उसमें दूसरी बारी सांप देखने को मिले। तो ठीक इसी चीज को देखते हुए इस चीज को पोस्ट किया है कि अब तक की दूसरी बारी देखा गया। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक 18 वर्षीय लड़की के बारे में। होता क्या है कि वो बिल्कुल भी एक सॉलिड नोट लिखती है, ठीक है, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए लिखती है और उसमें कहती है सॉरी मम्मी सॉरी पापा, कुछ इस तरीके से लिखते हैं और ये बोलते हैं कि आप लोग जो चाह रहे हो वो वाकई में नहीं हो पाएगा। उसके माता पिता एक ही बात बोलते हैं कि आप जाओ पढ़ाई करो। वो कोटा में रहती है जो कि पुलिस स्टेशन के बाजू में भी उनका घर हुआ करता था, लेकिन वो बोलते हैं कि आप वहां पे जाओ और पढ़ाई लिखाई करो, जेई की तैयारी करो, जेई। तो वहां पे वो जाती है, बिल्कुल भी पढ़ाई करती है, पता नहीं क्या कुछ रीजन होता है जिसके कारण से वो ये चीज साइड नोट लिखती है और लिखने के बाद यही बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, कुछ इस तरह। जो कि यह पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल भी रहा है और इस चीज में बहुत सारे ऐसे खुलासे देखने को मिल सकते हैं इस वक्त। और उस नोट में यह भी लिखा हुआ होता है कि मैं लूजर हूँ, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कीजिए, कुछ इस तरीके से उन्होंने लिख रखा हुआ था और जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे देखने को मिला है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, जो चीज अपने बच्चे से नहीं हो पा रहा वो चीजें जबरदस्ती कराने की कोशिश न करें, ये चीजें बहुत ही ज्यादा देखने को मिली। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बाबा बालकनाथ के बारे में, जो कि इस वक्त ट्विटर पे भी ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन होता क्या है कि इनके साथ ये बिल्कुल भी विधानसभा में रहते हैं, लेकिन वो काफी सारे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, बिल्कुल भी राजीव गांधी हो या फिर और भी कई सारे ऐसे नेता है जो बिल्कुल भी उनका नाम लिया नहीं, लेकिन उस चीज के बारे में वो खुलासा करते हैं और ये बोलते हैं कि जो राजीव गांधी है वो उनको पता है कि पैसे कैसे खाए जाते हैं नेता में रहने के बाद, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए। और वो ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कुछ किया है जो कि जिससे कि परेशानियां बढ़ी है और बहुत सारे ऐसी बात बोली है जो चीज काफी सारे लोग इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। और काफी सारे लोग ये बोलते हैं किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बोल भी नहीं सकते, काफी सारे लोग ने अपने अपने पोस्ट किए हुए हैं। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा ट्रेंड देखने को मिली है, बाबा बालकनाथ माफी मांगो, मतलब कुछ इस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड होते हुए देखने को मिला है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक वायरल रील्स के बारे में। उस रील्स में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिसे देख के आप भी चौंक जाओगे। पहले इस रील्स को जरूर से देखें। पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये वाकई में रियलिटी नहीं है। ये कमेंट सेक्शन है, जरूर से पढ़ सकते हैं, इसमें काफी सारे लोग एडिटिंग बता रहे हैं, कुछ चीजें फेक बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एडिटिंग का कमाल है जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो आप बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा चैनल इस वक्त हमारा नहीं है, काफी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई 10 लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी सी वीडियो की रीच बढ़ जाए। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। तब तक मिलता है अगले वीडियो में।